इसे हजार बार बोला था मैंने कि तेरे आठवें स्थान में राहु डायरेक्ट घुसकर बैठा हुआ है, तू जल्दी से ग्रह शांति करवा ले। माना नहीं, चला गया। भाई हा? हमें पता चल गया है कि वो किसका आदमी है। सारे के सारे ग्रह अनुकूल हैं। उस शंकर को कम करके तोहफा मत देना, आधे घंटे में काम खत्म करना होगा। अब तक तो वो गुड मॉर्निंग। क्या देख रहे हो? हत्यारा खून करके इसी तरफ गया होगा सर। पूर्व दिशा में जाना ठीक होगा सोचकर उधर से गया होगा। वास्तु। और क्या पता चला? तो एज पर दिस फुटप्रिंट सर, वो हत्यारा जरूर 5.6 हाइट, 60 केजी वेट का होगा सर। यस सर। वर्मा, इनकी रिपोर्ट के हिसाब से तो इनका फिगर ही ठीक बैठ रहा है ना? इन्हें ले जाकर अंदर करके फाइल क्लोज कर दो, पनौती हटेगी। सर। बेटा प्रभा। हाँ भाई। उस पंडित के लोगों ने आकर हमारे सारे लड़कों को मार डाला। तुम कैसे करोगे नहीं जानता, लेकिन उनमें से एक भी नहीं बचना चाहिए। सर, इस शंकर और पंडित का कुछ करना पड़ेगा सर। हम क्या करेंगे, वो लोग खुद ही कर लेते हैं। क्यों, समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर। तुम 2020 क्रिकेट के बारे में जानते हो? देखते तो है लेकिन कभी खेला नहीं। मैं जानता हूँ सर। बताओ। उसमें क्या है सर, जो फर्स्ट बैटिंग करता है वो 20 ओवर्स खेलता है। हाँ। उन्होंने कितने रन बनाए ये देखकर सेकंड बैटिंग करने वाले उनसे एक रन ज्यादा मारने की कोशिश करते हैं सर। है ना? यहाँ भी ऐसा ही है रामनारायण सर। सामने की पार्टी वाले उसके कितने लोगों को मार रहे हैं देखकर उनसे एक ज्यादा मारने के लिए दूसरी पार्टी वाले कोशिश करते रहते हैं। इस प्रोसेस में शंकर के लोग पंडित के लोगों को, पंडित के लोग शंकर के आदमियों को मारते जाते हैं। फाइनल में जब सारे ओवर खत्म हो जाएंगे तब दो ही बचेंगे, एक होगा ये शंकर और दूसरा वो पंडित। लेकिन जीतना तो किसी एक को ही है ना, इसलिए वो दोनों बॉल फेंकेंगे और हम लोग ऑल आउट कहके गन ऊपर उठा लेंगे। ये क्या सर, खेल में तो एक हारेगा तो एक जीतेगा ना सर। अरे जीतने वाले को हम टपका देंगे ना सर। फाइनल में तो यही होने वाला है। She's the girl you're looking for, huh? Take this. Hey, boom, shakalaka, shakalaka, boom, boom. Zindagi pe dalo zoom. Hey, boom, shakalaka, shakalaka, boom, boom. Masti mein machao doom. Hey, boom, shakalaka, shakalaka, boom, boom. Zindagi pe dalo zoom. शकलाका शकलाका बूम बूम, मस्ती में मचाओ धूम। मस्ती में हर पल ये बिताना, हंसते सदा ही रहना। करो गम नहीं आने दो खुशी, इसी का नाम तो है जीना।
जगमगाए हैरी पॉटर ट्रिप पे जाए आसमां में उड़ के हम भी जाए मोनाली साकी पेंटिंग बना बादलों पे सपनों के रंगों से हिटलर के जैसे कभी ना बनो तुम दूर ही रहो सदा हर जग से देखो ये नजारा कितना है प्यारा कितना है सुंदर जहाँ ऊंचा है इरादा अपना है वादा छुएंगे हम आसमां मेरा नाम प्रसाद है सलमान की फिल्मों को देख देख कर इस तरह फेस टू फेस बात करने की आदत हो गई है ओ ठीक 9 बज रहे हैं मैंने अभी तक शुरू नहीं की ओम जय महाकाली डार्लिंग ये मेरी बीवी है नाम मंजू प्रसाद है क्लासिकल डांसर होने के साथ साथ एक आदर्श पत्नी भी है क्योंकि मेरे ब्रांड का नाम बताते ही उसके साथ में क्या होना चाहिए वो सब ये खुद सिलेक्ट करके मेरे पास लेकर आती है वो मेरी बेटी है इसके पैदा होते ही मेरे घर में दारू की बहार आ गई है इसलिए सेंटिमेंटल होकर छी छी दारू मेंटल होकर इसका नाम शरिया रखा मैंने ये मेरी बहुत इज्जत करती है इसके अलावा मेरा एक बेटा भी है सागर फिल्म के कमल हासन जैसा ही वो मेरा लाडला नहीं है माँ का लाडला है और उसका सपना है कि वो एक बहुत बड़ा क्लासिकल डांसर बने लेकिन उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया पूरा घर हिल रहा है मतलब मेरा बेटा आ गया अब आगे मैं क्या बताऊं आप खुद ही देख लो मैडम क्या इसकी डांस प्रैक्टिस खत्म हो गई अंकल कितने लोग मर गए क्या कह रहे हैं अंकल सच कह रहा हूं पैदा होने के बाद जब इसने चलना शुरू किया तो मेरे भैया को दिल का दौरा पड़ा और वो मर गए सेकंड स्टेप पर मेरी माँ मर गई उसके बाद इसके लेने वाले हर स्टेप पर हमारे घर के टाइल्स टूटने शुरू हो गए दीवार का सीमेंट गिरना शुरू हो गया घर के दरवाजे टूटने लगे सिर्फ इसके चलने से इतना कुछ जा सकता है तो इसके डांस करने से कितने लोग चले गए होंगे अंकल आप डूम को बिल्कुल गलत समझ रहे हैं हमारी टीम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो यही है ये तुम अफेक्शन से कह रही हो लेकिन ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कैसे हो सकता है देखिए बाय मिस्टेक आपने मेरी माँ से शादी की है इसलिए अब तक आपको जिंदा छोड़ा हुआ है अगर आपने ज्यादा बात की ना तो बिना म्यूजिक के यही डांस शुरू कर दूंगा इस बार टाइल्स या दरवाजे नहीं जाएंगे डायरेक्टली आपकी खोपड़ी जाएगी देखो ऐसा काम मत करना बेटी मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ इसे तुम मुंबई ले जाने वाली थी ना कब लेकर जाओगी कल शाम को 7 बजे करमपुरा से हमारी बस जाने वाली है अगर मैं इसे 6 बजे लेकर आ जाऊं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना नो प्रॉब्लम अंकल विनर्स नेवर केयर टू लूज जस्ट बूस्ट योरसेल्फ बी रेडी ओके दीदी ये इंग्लिश में तुमने क्या कह दिया बेटी मेरे समझ में नहीं आया हेलो मुझे समझ में आ गया इतना काफी है ओके बाय अंकल बाय सी यू सारा सामान रख दिया ना? रख दिया। अरे ये डुम अभी तक क्यों नहीं आया दीदी मैं आ गया ए, तुम लेट क्यों हुए वो क्या है ना अब तुम्हें क्या कहूँ बेटी इसकी उम्र क्वार्टर बोतल जितनी भी नहीं हुई है हा? लेकिन ऑटो वाले जब इसे देखते हैं तो फुल बोतल का चार्ज मांगते हैं इसे पैदल लाए ताकि इसकी चर्बी कम हो जाए लेकिन इसकी माँ भी तो पागल है ना कहती है डांस जरूरी है इस मोटे के लिए देखिए अभी तो मामूली ही लगता हूँ
वहाँ से लौटने के बाद माइकल जैक्सन बन जाऊंगा, फिर आप कुछ कर सकेंगे मेरा? बेटी, हम लोग अपने बच्चों से आज तक कभी भी इतने दिनों तक दूर नहीं रहे, इसका थोड़ा ध्यान रखना बेटी। मैं दीदी बनकर नहीं, माँ बनकर बच्चों को संभालूंगी, इट्स माई प्रॉमिस। ठीक है बेटी, तुमने अच्छी बात बोली है, बस वाला भी हॉर्न बजाकर जल्दी मचा रहा है। ये लो, ये बैग लेकर आराम से जाओ। अंकल ये लीजिए गिफ्ट। ये तो फूल है, मुझे क्यों दिया? अपने टीचर को तो बालों में लगा लेंगी। ये फूल नहीं है अंकल, ठीक से देखिए। फूल ही तो है। अरे वाह, मैजिक से दारू भी बना सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। ओके बॉयज, लेट्स गो। बाय 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 बाय। चलो 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 चलो, जल्दी चलो, आराम से चलो, आराम से। बॉस बॉस बॉस, रुक जाओ बॉस। ये कौन है? सड़क के किनारे वाला, खाने वाला बॉस। हाँ, आपका असिस्टेंट बॉस। देखो मेरी फोटो। हाँ, इसकी फोटो कहाँ है? घूम रहे, दिखा अपनी फोटो, देखो ना बॉस। हाँ, now I got it। तुम लोग तो मेरे असिस्टेंट हो, पर मैं कौन हूँ? पब्लिक में आपका नाम कैसे ले सकते हैं बॉस? मैं इतना पॉपुलर हूँ। अनपॉपुलर है। थैंक यू सर। सर, 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, आज देने के लिए कहा था ना। सैलरी मतलब? ऐसे ऐसे मतलब कैश कैश। Who are you? अभी तो आपका फोटो दिखाया, मैं आपका असिस्टेंट हूँ। तो मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ? अरे बाप रे, मैं आपकी मेमोरी की वजह से मर जाऊंगा। हाँ। मुझे थप्पड़ क्यों मारा बॉस? तेरे हाथ में मेरा फोटो, ये बात उस लड़की के सामने कहनी थी, उसके जाने के बाद नहीं। सॉरी सर, किसे शूट करूं? अगली बार शूट कर लेंगे सर। आज से मुझे क्या करना है ये याद दिलाना होगा, वरना मैं उनको नहीं तुम्हें शूट कर दूंगा। नहीं सर। हाँ, फॉलो मी। ए डूम, शैतानी क्यों कर रहे हो? शैतानी नहीं है दीदी, हमारे साथ दिल्ली से एक और टीम आ रही है, वो लोग भी बहुत सीरियसली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर फाइनल में जीतना है तो इस डांस शो को मजाक में नहीं, सीरियसली लेना होगा, तब होगा कप हमारा। यू डोंट वरी दीदी, कल स्टेज पर देख लेना, फाड़ फाड़ के फेंक देंगे। क्यों फ्रेंड्स? दीदी, जिराफी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बस रुकिए दीदी, दीदी। ए, जिराफी, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो टेंशन हो गई थी। तेरे को ऐसे कितने से? उसे क्यों मार रहे हो? दीदी, इसने मुझे वहाँ ऊपर फेंक दिया था। डायनासोर, क्या है ये सब? तुमने ऐसा क्यों किया? क्या है ना दीदी, ये सामान के साथ खड़ा था तो मैंने इसे सामान के साथ डाल दिया। क्या पढ़ रही हो? कोई IAS है दीदी, 10 साल पहले 10 करोड़ लेकर भाग गया। कोई पागल इंसान ही होगा जो इतने दिनों बाद सरकार का पैसा वापस करने आएगा, अब तक तो विदेश में सेटल हो गया होगा, है ना दीदी? ए, सोने के टाइम ये सब पढ़ना जरूरी है क्या? सो जाओ। श्री 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 देवी मल्लिका की टीम का स्वागत है, सुस्वागतम। थैंक्स। दिस इज टू मच, एक सेलिब्रिटी को, कल के होने वाले प्रोड्यूसर को, इस तरह सामान पकड़ाओगी? अच्छा, तो तुम प्रोड्यूसर होने वाले हो, पुराने दोस्त तो इसीलिए रेम्यूनरेशन कम कर दिया। हाँ अच्छा, मेरी माँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं प्रोड्यूसर नहीं तुम्हारा दोस्त हूँ। हाय बॉयज। हाय। हाय गर्ल्स। हाय। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अब ये हाई हो गया हो तो चलें आगे। ए! हे! 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 मल्ली, इस बार तुम सब लोग इस घर में रहोगे। हे! 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 मुझे निकालो ना यहाँ से। बाहर आना। बाप रे, क्या भारी सामान है। तो दोस्तों, हमारे डांस की सेमीफाइनल की शुरुआत यहीं से होगी। यस! कैसा लगा घर? ये क्या है ओमकार?
इतने छोटे कमरे में बच्चे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? अब क्या करूं मल्ली, डांस के नाम पर कोई घर ही नहीं दे रहा था। बड़ी मुश्किल से ये एक घर मिल पाया है। प्लीज इस बार जरा एडजस्ट कर लो। ये लो गाड़ी की चाबी, मैं शाम को मिलता हूँ। ओके थैंक यू, बाय। हे गर्ल्स एंड बॉयज, कम ऑन, अगर तुम लोग जल्दी फ्रेश हो जाओगे तो हम अपनी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। ओके अभी देता हूं। प्रभा का फोन है। हाँ बोलो बेटा। प्रभा भाई, वो पंडित का एक आदमी सुल्तान बाजार में अकेला घूम रहा है। शक्ति ने फोन पर अभी बताया। उड़ा दूं क्या उसे? अरे नहीं, उसके पैर छूकर आशीर्वाद ले। पागल आदमी, खेल खत्म होने के बाद अकेले चाहे जानवर मिले या दुश्मन मिले, उसे साइलेंटली खत्म करके निकल जाना चाहिए। मैं समझ गया भाई, काम खत्म होने के बाद फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये 10 ओके एंड ये 5 ओके एंड दिस 5 ओके। जस्ट अ मिनट मैम। या हाउ मच? 5000 मैडम। थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ भाई? ए, तुम लोग पीछे रहो। हाँ गीतिका दे, सारे कपड़े खरीद लिए हैं। बाद में फोन करता हूँ। दस मिनट में पहुँचती हूँ, ठीक है? चलो बे। उसकी तो रुको भाई, यहाँ नहीं, रहने दो। कम हियर। क्या? मस्त दिखती हूँ ना? अरे शर्मा मत यार, बता ना। एक काम कर, दोबारा हो जाए। तुम अकेले मजा लेकर चले जाओगे तो कैसे चलेगा? मुझे भी तो मजा आना चाहिए ना। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा करो। अभी मुझे कुछ मजा ही नहीं आया, इस बार मैं भी मजा लूंगी ना। जाओ ना यार। देख क्या रहा है बे? तेरी तो लड़कियों को कमजोर समझा? नहीं छोड़ूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुझे। बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, एकदम बिंदास। किस्मत में हुआ तो ये तुम्हारी बीवी हो सकती है। क्यों बे, ज्योतिषगिरी शुरू कर दी? नहीं भाई। चलो साहब। कोई सुंदर लड़की दिख जाए तो उसे छेड़ना शुरू कर दोगे? ए, हर लड़की अपने आप में सुंदर होती है, सुंदरता का नाम ही लड़की है। सुंदर लड़कियों को तेरे जैसे अगर छेड़ने लगे ना तो उन लोगों के पास हमेशा तैयार रहती है छुरी। अगले 10 दिन तक इसी शहर में रहूंगी। अंधेरी, लोखंडवाला, बांद्रा, जुहू, गोरेगांव, बोरीवली, कहीं भी जहाँ भी मिलेगा ना चीर डालूंगी। चल निकल। चलो अरे अब किसका फोन है? अरे 1 2 1 1 and 2 come on turn around 1 2 3 4
You guys continue. मैं बस okay, दीदी. क्यों रे? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जानते हो मैं कौन हूँ? नाच रही हो ना, माइकल जैक्सन की बहन हो क्या? नहीं, छुरी हूँ, दिल्ली की छुरी. हाँ. अरे बाप रे, ये तो छुरी है बे. मैंने इसे लॉलीपॉप समझा था. ज्यादा मजे मत ले, मुझसे पंगा लेगा ना तो काट डालूंगी तेरी गर्दन. अच्छा, तो अब तो लेना पड़ेगा. हाँ, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है. तुम नाचती रहोगी तो हमें तो कुछ भी समझ नहीं आएगा. अब आना. तेरे जैसे कुत्ते को कैसे समझाना है, मैं ये बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ. अभी आती हूँ, तू वहीं रोक. हाँ, रोक. बेटी रुक जाओ. बेटी, वो लोग शंकर भाई के लोग हैं, सब गुंडे हैं, उनसे मुंह मत लगो. बेटी, आंटी इन्हें ऐसे छोड़ देंगे ना तो ये किसी को जीने नहीं देंगे. इन्हें तो मैं, मेरी बात मान लो बेटी. ए, तुम में से शंकर नाम का कौन है? सिर्फ शंकर नहीं, शंकर भाई है. हाँ वही बे, शंकर भाई नाम का यहाँ कौन है? वो यहाँ नहीं है, हम उनके आदमी हैं. तेरे को क्या काम है उनसे? हमसे बात करना. क्या बोला? मैं तुम लोगों से बात करूँ? मैं चमचों से बात नहीं करती. बोल कहाँ है अंधेरी, लोखंडवाला, बांद्रा, जुहू, गोरेगांव, बोरीवली, कहाँ कहाँ रहता है तेरा वो शंकर? कोई फोन नंबर है उसका तो चल बता मुझे. क्या बोल रही है लड़की, दिमाग खराब है क्या इसका? ए, फोन नंबर मांग रही हूँ तो बता क्यों नहीं रहा है तू? बात करने की इच्छा है तो बात करा दे यार. अरे पर कोई नहीं, करा दे. हाँ. ला दे. हाँ? यही है ना? यही है कि नहीं? ठीक है. क्या रे, हो गया उसका काम? उसका काम नहीं, मुझसे पंगा लेगा तो तेरा काम हो जाएगा. ए, कौन बोल रहा है? ए, छुरी, छुरी हूँ, दिल्ली की छुरी हूँ मैं. हाँ. अच्छा, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास, फोन रख. मेरा नाम सुनते ही लगता है निकल गई उसकी, कट कर दिया. हा? अब उससे फोन पर नहीं, डायरेक्ट सामने बात करूंगी. उसका एड्रेस क्या है बता मुझे. लोखंडवाला रोड नंबर 4. लैंडमार्क बताना. शंकर भाई खुद ही एक लैंडमार्क है, तुम वहाँ जाओ पहुँच जाओगी. हाँ अच्छा, देखती हूँ मैं भी. अरे पप्पू. हाँ. ये इतनी जल्दी हमारे हाथ लग जाएगी ऐसा नहीं सोचा था. ये तो गई काम से, अब आएगा मजा. शंकर तू ही है? तो फिर हटना. अरे अरे सुनो तो. वो पंडित तुम्हें मुझसे 1 करोड़ ज्यादा देगा तो मुझे धोखा देगा, तू गायब हो जाएगा. आप गलत समझ रहे हैं भाई, मैंने पंडित से 1 करोड़ तो क्या एक फूटी घोड़ी भी नहीं ली है. मेरा यकीन कीजिए भाई, मैं सही. तो शंकर तेरा ही नाम है? तुझमें अकल है या नहीं? 4-5 लोगों को साथ में रखकर कोई गुंडा हो जा रहा है क्या? पता है मैं कौन हूँ? छुरी, दिल्ली की छुरी हूँ, मुझसे पंगा मत लेना. रामू, यहाँ पर एक लड़की आई हुई है, तुझसे बाद में बात करता हूँ, अभी रख. क्यों बेटी, एक आदमी मोबाइल पर बात कर रहा है, दिख तो रहा था ना, और तुम क्राइम न्यूज की तरह बोले जा रही हो, जरा इसकी सुननी चाहिए. दिखती तो अच्छी हो. तुम जैसी एक बेटी अगर मेरी होती तो अच्छा होता, मेरा एक ही बेटा है. खैर छोड़ो, थोड़ा स्पीड कम करके तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है जरा आराम से बताओ मुझे. मेरा नाम मल्लिका है जी, डांस टीचर हूँ. आनंद नगर में आपके बगल वाले घर में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी तो आपके आदमी हमें छेड़ रहे थे और डिस्टर्ब कर रहे थे. रैगिंग केस है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. अच्छा, वो बगल वाला घर सुधाकर जी का घर ना? हाँ सर. वो तो बहुत छोटा घर है, 10-12 बच्चों के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही हो तुम, जगह कम नहीं पड़ती? वो चैनल वालों ने. अच्छा छोड़ो उसे, कितने दिन रहने वाली हो? कल सेमीफाइनल है सर, जीत गई तो. धक, जीत गई क्या, मैं ही जीतने वाली हूँ तो अगले 10 दिन में फाइनल हो जाएगा. चलो कोई बात नहीं,
उस सुधाकर जी का घर काफी नहीं होगा, उसके बगल वाला घर काफी बड़ा है, तुम्हारी प्रैक्टिस उसमें पूरी हो जाएगी, उसमें रहो। सर ऐसे क्या देख रही हो, वो अपना ही घर है, उसमें तुम्हारे बच्चों की प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, जाओ जाओ। भैया लेकिन सुनो, अपने लड़कों को फोन करके बोलो कि घर खाली करें, जाओ बोलो। सुनो बेटी, तुम्हें जैसी भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे डायरेक्ट बोलना, कोई शर्म मत करना। छुरी छुरी छुरी, मैं हूँ दिल्ली की छुरी, मैं हूँ तीखी कटारी, ना करना तू जो राजोरी। छुरी छुरी छुरी, मैं हूँ दिल्ली की छुरी, बच्चों से करती मस्ती, हर पल मैं खुश रहती। अगर ये लड़की नहीं होती ना तो अभी बता देता इसे। बातें करती हूँ मैं स्ट्रेट, कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना, कैसा लगा सर से घुस गया ना। कम ऑन बॉयज, उसे बाद में देखेंगे, चलो। ये ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, कितना गंदा पड़ा है, कितनी गंदी जगह है, बहुत गंदी है ना। बदबू है। ओके कम ऑन बॉयज एंड गर्ल्स। दीदी दीदी आप किस स्टाइल में, मैं बोलता हूँ 1 2 3 गो। ए डर मत, इधर देख। ए मैं इतनी मेहनत से धक्का दे रहा हूँ और तू पीछे से बिल्डअप दे रहा है। अरे दीदी लगता है इस फोटो वाले आदमी को कहीं देखा है। हाँ याद आ गया, वही है, उस दिन बस में आते वक्त पेपर में पढ़ा था ना 10 करोड़ का घपला, यही है वो। अब समझ गई मैं, ये घपले वाला आदमी और इस घर का गुंडा दोनों दोस्त होंगे, सरकार का पैसा दबाकर आधा आधा खा गए होंगे। हाँ ए चुप रहोगी तुम, बेचारे उन्होंने मुझे अपनी बेटी मानकर कहा कि छोटे से घर में प्रैक्टिस कैसे करोगी, इतना बड़ा घर है मेरा, तुम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लो और तुम उनको उससे जोड़ रही हो। अगर ये बात शंकर भाई को पता चली ना तो तुम्हें शूट कर देंगे। दीदी इस सामान को कहाँ पर रख दूँ, मेरे सर पे रख दे। क्या हुआ, गुलाब की तरह खिला चेहरा, ऐसे सड़े हुए अंडे की तरह क्यों दिख रहा है। तो और क्या होगा भाई, एक लड़की के लिए आपने हमारी इज्जत उतार दी, अब उस बस्ती में हमसे कौन डरेगा। उस शक्ति को अब तक उसने मारा कि नहीं, चल जा अंदर। हाँ? ये कौन है रे, जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम का किट उठाने वाला लगता है ये तो। हमारे बैनर्जी को इसी ने मारा है भाई। क्या? हाँ। उंगली भर का तो दिखता है रे तू, इतना बड़ा काम कैसे किया रे। नहीं भाई मुझे नहीं पता भाई। क्या कहा? मैं नहीं जानता भाई। क्यों? मुझे नहीं पता भाई। चुप कर। काम करने से पहले हम भी ऐसे ही जाते हैं, सीना तान के जाते हैं, काम हो जाने के बाद किसी के हाथ ना लग जाए, इस डर से बकरे की तरह। मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं किया, ये कहते फिरते हैं। देख तू घबरा मत, ये बता तूने किया कैसे, बैनर्जी को कैसे मारा, तुझसे ये पूछ रहा भाई। ऐसे ही इसके चिल्लाने की आवाज से उसे दिल का दौरा पड़ गया होगा, है ना। बता 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 कैसे मारा। हम्स्टरी हम्स्टरी मैजिक।
लगता है काफी जोश में है। कहाँ जा रहा है इन सबके साथ? Hi Dad, how are you? मैं तो ठीक हूँ भाई, लेकिन ऐसी पोजीशन में तू जा कहाँ रहा है? ओ, मैंने अपने दोस्तों से आपको नहीं मिलवाया ना। ये याहू, ये गूगल, ये हॉटमेल, इसकी स्पीड बहुत तेज है डैड। वो बताने की जरूरत नहीं है, देख कर ही पता चल रहा है ये सब। ये लोग अपना बाजार है, वो तो ठीक है, लेकिन तू जा कहाँ रहा है? आज हमारे पब में नई ईमेल्स आई है, चेक करके आता हूँ। ईमेल चेक करने के लिए पब जाने की क्या जरूरत है? अपने ब्रांच के प्रताप को फोन कर दो, सारी वेबसाइट घर पर ही भेज देगा वो। डैड मेरी आईडी पर आओ, मुझे देखो, कहने वाली ईमेल्स देख देख कर मैं बोर हो चुका हूँ, इसलिए फ्रेश ईमेल्स देखने के लिए जा रहा हूँ डैड। बाय डैड। प्रॉब्लम भाई, ये बता नहीं रहा कि बैनर्जी को कैसे मारा। ये लेटेस्ट स्टाइल, अगर पासवर्ड ओपन ना हो तो उसे डिकोड कर देना चाहिए। ये लो, कम ऑन बेब्स। बॉटल ओपनर और पिस्तौल में तुझे अंतर ही करना नहीं आता, उल्लू का पट्टा। अरे वाह, मजा आ गया। ढिंक चिका ढिंक चिका रे, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे रे रे, ढिंक चिका ढिंक चिका रे 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 रे, ढिंक चिका रे, ढिंक चिका रे, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका रे। ऐसा मजा तो आता है कभी कभी, ऐसा मजा है आया। बॉस गोली मत चलाना, बॉस मैं आपका असिस्टेंट हूँ। हियर इज द प्रूफ। प्रूफ अभी दिखाता हूँ। तेरा कहाँ है? ये कहाँ गया? स्टॉप ब्लॉक शॉट था ना, गायब हो गया। प्रूफ कहाँ है? कहीं रखकर भूल गया हूँ। प्लीज बॉस, मैं आपका असिस्टेंट ही हूँ। आर यू श्योर? नो, तू शेरू का आदमी है ना जो मेरा फ्लैशबैक जानने के लिए आया है। मैं उसका आदमी कहाँ से हुआ बॉस? आपका कोई फ्लैशबैक वैक नहीं है। बचपन में केले के छिलके पर पैर रखा था, फिसल कर गिर गए, मेमोरी चली गई, उसे जानने के लिए मैं यहाँ क्यों आने लगा? ऑफ कोर्स, गजनी के आमिर खान जितना फ्लैशबैक नहीं है मेरा, लेकिन चंद्रमुखी जितना बड़ा टारगेट है मेरा। तू मेरा काम खत्म करने आया था ना? बॉस आपका असिस्टेंट हूँ बॉस, फालतू की फिल्में देखकर बिगड़िए मत। वेयर इज द प्रूफ? खो गया, अभी ढूंढता हूँ बॉस। प्रूफ के बिना तेरा बाप भरोसा कर सकता है, लेकिन प्रूफ के बिना ये बाप भरोसा नहीं कर सकता। प्रूफ किधर है रे? नहीं है, नहीं है, नहीं। देखा है? हाँ, मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। मुझे बाहर तो निकालो। मेरे दुश्मन, मेरी बात मानो बॉस, बॉस बाहर निकालो बॉस। सेम फेस। इतना बड़ा घर छोड़ के अलमारी में क्यों सो रहा था बे इडियट? मैं क्यों सोने लगा बॉस? अभी ने मारकर मुझे इसमें डाला था। मैंने मारा था? हाँ मारा। वेयर इज द प्रूफ? प्रूफ? अरे मुझे उठा ले ऊपर वाले। Come on!
Hi. क्या नाम है? Bluetooth. Nice name. Come on, baby. Come on. I'm just going. Okay. Hey, come on. Come on. Come on. Come on. Bluetooth. Bluetooth, I'll find your device. Hey, Bluetooth, come on, darling. Hey, come on, darling. Hey, Bluetooth, come on, Bluetooth. Don't waste time. Come on, I'm waiting. कौन हो तुम? कौन हो तुम? भाई एक मिनट रुक जाओ भाई, मेरी बात मानो भाई। चल हट। भाई मेरी बात सुनो, आप बात सुनो। हट जाओ। मेरी मेरी बात सुनो भाई। भाई भाई रुको भाई। क्या कहा ना, मुझे देखने दे। भाई भाई संभालो भाई, भाई शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। क्या शांत हो जाओ, कैसे शांत हो जाओ? कहा था ना उसको मार दो तुम लोग, नहीं मार पाए। कम से कम मेरे बेटे को अच्छी तरह बचा कर तो रखना चाहिए था, वो भी नहीं कर पाए। एंजॉय करो, तुम खूब एंजॉय करो। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अल्टीमेट डांस शो, आओ डांस करें सेमीफाइनल एपिसोड। और अब यहां होगा तीन टीमों के बीच मुकाबला। आज के कॉन्सेप्ट में म्यूजिशियन और कोरियोग्राफर भी आकर ज्वाइन कर सकते हैं। तीन महीनों से चल रहे मुकाबलों में चुनकर आई टीमों में से एक है लव बर्ड्स टीम और दूसरी है मल्लिका की टीम। ओके, और आखिर में सेमीफाइनल में वाइल्ड कार्ड एंट्री से आई टीम। अरे आपके कोरियोग्राफर कहाँ है? यहाँ है। अरे ये रहे मास्टर। He is the last but not the least, नारा चंद्रशेखर। सर एक मिनट के लिए स्टेज पर आएंगे जरा? जाइए बॉस, स्टेज पर जाइए। क्यों? आप भी ना, नाना चंद्रशेखर आप ही हैं, बहुत बड़े कोरियोग्राफर, आपको बुलाना उनका सौभाग्य, आप जाइए। इस प्रूफ ने तो पागल कर दिया, ये देखिए प्रूफ। मैं ही हूँ। हाँ। हाँ। आ रहा हूँ। सर देश के कोने कोने से, यानी मुंबई दिल्ली चेन्नई सब जगह से लोग एसएमएस से सवाल पूछ रहे हैं कि आपका असली नाम क्या है। मेरा असली नाम, घर का नाम, प्यार का नाम, पब्लिक नाम, नाना। यस। तुम्हारे नाना नहीं, नाना चंद्रशेखर। नाम तो अच्छा है, लेकिन बताइए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर आपके नाना लगते हैं क्या? हाँ, वो मेरे नाना लगते हैं। अगर ऐसा है तो आप राजनीति में जाने की जगह यहाँ डांस मास्टर बनकर क्यों आ गए नाना चंद्रशेखर? राजनीति में आने से पहले विश्वास जरूरी है, इसलिए मैंने अपना नाम रखा नाना चंद्रशेखर। अच्छा, सो नाना चंद्रशेखर। अच्छा तो ऐसा है, चलिए अब सेमीफाइनल स्टार्ट करते हैं। ओके, आर यू रेडी? लेट्स वेलकम टीम नंबर वन। Say all down,
देखो मेरा जलवा डांस, हर गेम डांस का मुझे जीतना है। कहो वन कहो टू कहो थ्री कहो फोर, डांस नहीं है बोर। कहो फाइव कहो सिक्स कहो सेवन कहो एट, वक्त करता नहीं है वेट। वन कहो टू कहो थ्री कहो फोर, डांस नहीं है बोर। कहो फाइव कहो सिक्स कहो सेवन कहो एट, वक्त करता नहीं है वेट। आप लोगों ने माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंसेस। अब सेमीफाइनल में से जो दो टीमें ग्रैंड फिनाले में जाएंगी उन टीमों के नाम है द फर्स्ट सेमीफाइनल विनर नाना चंद्रशेखर की टीम। ताली क्यों बजा? नाना चंद्रशेखर की टीम फाइनल में आ गई। ये कौन है? आप ही तो है बॉस। अब आओ डांस करें। में दो टीमें ही बची हुई है। इन दोनों टीम्स में से एक ही होगी कोई लकी टीम जो ग्रैंड फिनाले में जाएगी, और वो टीम है लव बर्ड्स टीम, जो एक पॉइंट से हार गई है। मलिका की टीम फाइनल में पहुंच गई है।
दीदी मेरे कथक डांस को देखकर सारे हिल गए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, हिल हिल कर ऊपर पहुंच गए होंगे। चुप, अरे मार क्यों रहा है? ऊपर तो मैं बैठा हुआ हूँ ना। ए, दोबारा क्यों आया? तुम्हें देखने के लिए। ए, मैं कब से देख रहा हूँ, कुछ ज्यादा ही उछल रहे हो। ये देखो, मेरी दीदी से पंगा मत लेना, मेरी दीदी छुरी है, दिल्ली की छुरी। सच में यार, तेरी दीदी 56 छुरी है। एडम, इन लोगों को तो मैं देख लूंगी, तुम अंदर जाओ। बच गया तू तो। ए, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे पीछे किसका सपोर्ट है, ये जाने बिना उछल रहे हो तुम। मुझसे पंगा ले रहे हो, ये बात तुम्हारे बॉस को पता चली ना, खल्लास हो जाओगे। निकलो। हमारे बॉस ने ही तो भेजा है। क्या कहा, तुम्हारे बॉस ने भेजा है तुम्हें? हाँ बॉस ने। तो मुझसे डरा नहीं था वो? जैसे सीता ने रावण का यकीन कर लिया, मैंने शंकर पर यकीन कर लिया। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, ये सुनकर दया खाकर छोड़ दिया था। पर अब मैं समझ गई हूँ, सेटलमेंट को सेंटीमेंट से नहीं जोड़ना चाहिए। अभी करती हूँ, अभी जाकर हिसाब पूरा करती हूँ मैं। ए, छमिया, क्या हुआ, हमसे डर कर भाग रही है? हाँ? हाँ? मल्लिका डर कर भाग रही है? मल्लिका डरने वालों में से नहीं है, जानता है, डराने वालों में से है। तुझसे डिस्कशन? नो, डायरेक्ट तेरे बॉस से ही मैं। ए, तुझे शर्म नहीं आती क्या? हाँ, अपनी बात पर टिकना नहीं आता? hey, क्या बकवास कर रहे है? मैं तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, तू बीच में मत घुस। तू मेरी बेटी जैसी है, तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है कहकर उस कमीने को क्यों भेजा? हमारा कोई आदमी वहाँ नहीं गया भाई। ज़्यादा झूठ मत बोल, मेरे सामने आकर कमीनों ने मुझे देखकर आँख मारी। पता, वो पंडित के आदमी होंगे। पंडित? वो कौन है? तुझसे भी बड़ा गुंडा है क्या? चुप कर, वो बच्चा है। अगर बच्चा है तो वो घर खाली करवा सकते हो ना? ए, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? उस एरिया को एमएलए ने बराबर दो हिस्सों में बांटा है, हम उनके एरिया में नहीं घुसेंगे, ऐसा एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट? एमएलए का एग्रीमेंट? क्यों बेवकूफ बना रहे हो? ए सुनो, अगर तुमसे नहीं होता है तो बोलो, मैं खुद उसे देख लूंगी। देख क्या रहे हो, उसका नंबर है क्या? 9852। डायल करके देना। ए, मंगलवार को राहु बहुत ही भूखा होता है, एक बॉडी ब्लड देने से सेटिस्फाई नहीं होता, एक और बॉडी मांगता है। फालतू में दो दो मर्डर क्यों करवाना चाहता है? बात मान, साइन कर। मैं नहीं करूंगा। बीवी जिद करे तो उसे नाक का, कान का, गले का नेकलेस खरीद कर दे सकते हो, लेकिन जायदाद लिख कर दे सकते हो, कमीने? ओ, फोन बज गया। बहुत बढ़िया, मेरा टाइम भी शुरू हो गया। हेलो, कौन? तो तुमने ये सोच रखा था कि मल्लिका नाम की लड़की मेरा क्या बिगाड़ी? नहीं सोचा। लगता है तू मेरे बारे में जानता नहीं। छुरी? हाँ? दिल्ली की छुरी हूँ मैं। ओ, गर्दन काट डालूंगी। ए, लगता है तेरी बीवी है, बेचारी परेशान लगती है, तेरे मरने पर नहीं जमीन चली जाएगी इसलिए। काट दिया, बच्चा है बेचारा, फोन पर नहीं बात करूंगी। कहाँ रहता है वो? क्या है भाई, ये सब क्या है? तुझसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ रहता है अंधेरी लोखंडवाला बांद्रा जूह गोरेगांव बोरीवली? कहाँ अंधेरी लोखंडवाला बांद्रा जूह गोरेगांव बोरीवली? कहाँ? जहाँ भी दिखेगा ना काट डालूंगी मैं। हाँ हाँ, रामनगर का गणपति कहाँ रखा जाता है पता है? क्यों नहीं जानती, 45 फीट के गणपति को रखा था ना। उनके चेहरे के ठीक सामने एक घर दिखता है, वो ही उस बच्चे का घर है। एड्रेस पता चल गया ना, अब क्या करोगी? उसे मार डालूंगी। क्या करोगी? गर्दन काट डालूंगी। पप्पू सामान देना। लो भाई। ये क्या है सर? हिंदी में बंदूक, इंग्लिश में पिस्टल, इससे मारोगी तो सामने वाला खत्म। मैंने तो ऐसे ही कहा था कि मार डालूंगी उसे, आप तो सच में पिस्तौल दे रहे हैं। मेरे सामने किसी का पैर फिसल जाए तो चल जाएगा, जुबान फिसले में बर्दाश्त नहीं करता। टेक इट, उड़ा दे। आ,
अपनी मर्जी से कोई यहाँ आ तो सकता है, लेकिन जाना मैं डिसाइड करता हूँ। और हाँ, उस कंपटीशन में भी कितने दिन है? 10 दिन सर। ओके, वही 10 दिन का टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, उसे नहीं उसके बेटे को मार दो। सर, लेकिन मैं... बच्चों की चिंता तुम बिल्कुल मत करो, उन्हें मैं संभाल लूंगा ना, है ना प्रभा? जी भाई। सब्जेक्ट समझ गया ना? जी भाई। प्रोसीड। सर प्लीज सर, मेरी बात सुनो सर। मैं दीदी कहाँ है अंकल? जाओ अंदर। अरे दीदी अंदर है, जाओ जाओ। दीदी हम आ गए। अरे वाह 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 वाह, सारे बच्चे आ गए ना, सारे जूनियर जैक्सन हैं। अरे हाँ, तुम लोग मुझे नहीं जानते ना, मैं तुम लोगों का दादाजी हूँ। दादाजी। हेलो हेलो दद्दू, हमारा प्ले वर्ल्ड कहाँ है? प्ले वर्ल्ड क्या है? एसएल वर्ल्ड, किड्स वर्ल्ड, सब ऊपर है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्या चीज हो, ऐसी पर्सनैलिटी के साथ भी डांस करते हो? माइकल जैक्सन की तरह हल्ला बोल देता हूँ। एक स्टेप। नहीं 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 नहीं, ये फ्लोर कमजोर है बेटा। अच्छा नहीं होगा, वो तो है। ये शोर कैसा है? हाथ धड़का नहीं है, लेकिन जबान तो देखो भाई। बकवास मत कर, कर लो। बाप रे। वो तो ठीक है, लेकिन तुम भी डांस करते हो क्या? हिला के रख देता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? जिराफी। बाप रे, हाथ भर की लंबाई नहीं है और नाम है जिराफी। चलो 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 चलो। दीदी, दीदी ऊपर आकर तुम्हें सारी बात बता देगी। अभी तुम जाओ, जाकर बच्चों के साथ खेलो, जाओ। सर प्लीज सर, बच्चों को छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा ना, बस छोड़ने से पहले मेरा एक काम करना होगा बेटा प्रभा। हाँ भाई। इसका नाम पांडा महादेव है, ये पंडित का बेटा है, वुमेनाइजर है। इसे उड़ाओगी या गिराओगी तुम जानो, लेकिन इसे ऐसे गिर गिर करके अपने जाल में फंसा कर आखिरी दिन इसकी जान ले लेना। मारने से पहले मेरे बेटे को कैसे सताया होगा उसने, उसके बदले उस पंडित का बेटा कुत्ते की मौत मरेगा। मार डाल। सर मुझसे नहीं होगा। सर तुमसे नहीं होगा? रहने दो, कोई सुनेगा तो हंसने लगेगा। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, तुम कौन हो? छुरी, दिल्ली की छुरी, गर्दन काट डालोगी। अरे छुरी में से हमेशा खून बहना चाहिए, इस तरह आंसू नहीं बहना चाहिए। हाँ जाओ भाई, ये लड़की किसी को बता। मैं तेरा शक जानता हूँ रे, ये बाहर जाकर पुलिस वालों को खबर ना कर दे, यही ना, कैसे जाएगी? इसके बच्चे हमारे पास है ना, इतना जनरल नॉलेज तो है ना तेरे पास, है कि नहीं? तो अब तुम जाओ बेटी, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। दीदी बनकर नहीं, माँ बनकर बच्चों को संभालूंगी। इट्स माय प्रॉमिस। देखो, राहु काल खत्म होने में बस 2 मिनट का ही टाइम बचा है, तब तक तूने अगर साइन नहीं किया तो फिर बात नहीं होगी, बस एक्शन होगा। क्या बोलते हो बुढ़ाऊ? यहाँ पंडित तुम ही हो क्या? बेटी, तुम यहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर आई हो ना? ए, तुझे 24 घंटे सेटलमेंट डॉक्यूमेंट मर्डर के अलावा कुछ भी नहीं आता है क्या? हाँ? हाँ? लेकिन तेरे पंगे मैं क्यों लूँ? तुझ में जरा सी भी अकल नहीं है? हाँ? अरे रेसिडेंशियल एरिया में शरीफ लोग रहते हैं, ऐसी जगह पर गुंडों को ना रखा जाए, इतनी मिनिमम कॉमन सेंस भी नहीं है क्या तुझे? ऐसे बंदरों की तरह क्या देख रहा है? आनंद नगर में तुम्हारे घर के बगल वाले हिस्से में रह रही हूँ, कोई तेरा राइट लेफ्ट बैक फ्रेंड है शायद? उन्हें तो काम है नहीं और हमें भी काम नहीं करने देता। hey, ये तेरी बीवी नहीं है? नहीं भाई, मैं तो इसे जानता भी नहीं। मैं तुझसे बात कर रही हूँ तो उससे क्या डिस्कस किया जा रहा है?
मल्लिका नाम की लड्डू जैसी लड़की होगी। बिहार की यादव, हरियाणा की जाट, पंजाब की सिकड़ी, नागपुर की मराठन, बंगाल की दुर्गा हूँ, कुल मिलाकर छुरी, दिल्ली की छुरी हूँ मैं। पंगा लेगा ना, गर्दन गर्दन काट डालूंगी। गन कभी देखी है तुमने? ठोक डालूंगा, जाओ। मेरे बाप ने गन दिखाई तो डरकर रो रही हो? डरो मत, मैं तेरे साथ हूं। हमारे लोग तुम्हें बहुत परेशान करते हैं। आओ मेरे साथ। ओए, निकलो यहां से। भाई ये सिर्फ बोलता हूं मैं, सुनने की आदत नहीं है मुझे। ए, इस साम्राज्य का किंग मैं हूं। वो बुढ़ा मेरा बाप ठीक नहीं है, रिटायर हो चुका है वो। ये बात उसको बताना चाहता था, पर सोचता उसको बुरा लग जाएगा। आज से मैं ही किंग हूं। जाओ यहां से। हे, चलो। मल्लिका मेरी बंदी है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इस घर की नहीं तुम इस कॉलोनी की भी महारानी हो। मस्ती में रहो, मैं चलता हूं, बाय। मल्लिका, आई लव यू। समझ गया। क्या हुआ, डर गई थी ना? कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, ऐसा ही होता है। अभी तो 9 दिन का टाइम है ना। हाँ भाई, ये रख ले, जरूरत पड़ने पर दे देना। ठीक है भाई। लेकिन हाँ, सुना है उसने तुम्हें आई लव यू कहा था, तो अब क्या है, फंस गया बेचारा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो खुद तेरे पीछे घूमता हुआ आएगा। खूब मजे ले ले अभी, और जैसे ही मौका मिले कचक करके डाल। अरे मेरे लिए नहीं, वो ऊपर सुन रही हो ना, उन आवाजों के लिए। हमारे पास आओ सर, बस एक बार बच्चों से बात कर लेने दीजिए ना। बेटा प्रभा, ये भी अपनी बेटी है, टेंशन में है बेचारी, एक बार सांत्वना देने दे। बहुत डर लग रहा है दीदी, इन गुंडों को देखकर मुझे डर लग रहा है। हमें यहाँ नहीं रहना है, वही पुराने घर में जाकर प्रैक्टिस कर लेंगे। हमें छोड़कर मत जाओ दीदी, हमें छोड़कर मत जाओ, हमें यहाँ पर नहीं रहना है दीदी, हमें यहाँ पर नहीं रहना है। 2 दिन में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ से कब जाएंगे दीदी? बोला ना, 2 दिन में हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। ऐसी क्या कमी रख दी है मैंने जो तुम इस तरह से रो रही हो? एसी रूम है, बड़ा सा होम थिएटर है, एक स्पोर्ट्स लगाता है, दूसरा पोगो चलाता है, मेरे घर को पूरा प्लेग्राउंड बना दिया है, ऊपर आने का मौका ही नहीं मिलता मुझे। इसे देखो, रजनीकांत से कम, इमरान हाशमी से ज्यादा लगता है, रात भर बैठकर खाता रहता है और बाकी हीरो को गालियां देता है।
ये कहा गया? मुझे छोड़ दीजिए। चुप कर। अब इसकी क्या बात बताओ, इसके एक वक्त के खाने से राज्य के सारे कैबिनेट मंत्री खा सकते हैं। चुप, एक फूंक मारूंगा तो गिर जाएगा। दीदी क्या हुआ? तुम तो कोई गाना गाती हो ना, कौन सा है? माय हार्ट, माय हार्ट। ऐसे रोकर नहीं रे, डांस करके दिखाओ। माय हार्ट, माय हार्ट। ये हुआ ना, माँ माँ। अरे बाप रे, मुझसे तो नहीं होने वाला है ये। देखा कितनी मस्ती में रह रहे हैं ये सब यहाँ पर। तुम ही फालतू में टेंशन लेते रहती हो, तुम लोग लगे रहो। हाँ दीदी से मुझे एक काम है, मैं बात करके भेजता हूँ, ठीक है? तुम आओ बेटे, आओ मेरे साथ। बच्चों की खुशी के लिए वो जो मांगेंगे मैं दूंगा, सिर्फ 9 दिन के लिए। अगर 10वां दिन हुआ ना तो जैसे बकरे की बलि चढ़ती है, एक एक करके सबकी बलि चढ़ जाएगी। हाँ पप्पू, समझ गई ना मेरी बात? ये ले, ले ले, जाओ जाओ। बेटा प्रभा। हाँ भाई। उस पर नजर रखो। हाँ सर। सर देखो तो वो कौन है? ठीक है सर। मैडम आप हो? नमस्ते मैडम। पूछताछ करने की जगह वहाँ बातें क्या कर रहा है? ये कोई और नहीं सर, मल्लिका मैडम है। मल्लिका मैडम, कहीं ये कमिश्नर साहब की बेटी तो नहीं है? नमस्ते मैडम। सर ये मल्लिका मैडम है, आओ डांस करें, मैं कोरियोग्राफर है। कोरियोग्राफर है? हाँ। क्या है ये सब? सेलिब्रिटी तो ठीक है, लेकिन अभी रात का 1 बज रहा है, अभी यहाँ से इस बुद्ध को देखना जरूरी है क्या? सॉरी सर, 5 मिनट में चली जाऊंगी। ओके ओके, चलो। चलता हूं मैडम। ए सर, किसी को नमस्ते कराने से पहले बता दो दिया कर कि वो कौन है। ठीक है सर। चल अंदर, आदमी को पहचाना नहीं आता है। सुबह से मैं तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कहाँ कहाँ नहीं भटका। यहाँ क्या कर रही हो, उसे देख रही हो? मैं थोड़ी देर में यहाँ से जाने वाली हूँ। मुझे भी कोई काम नहीं है, अगर हुआ भी तो तुमसे जरूरी नहीं होगा, थोड़ी देर बाद जाओगे ना, साथ चलेंगे। वो बात नहीं है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम यहाँ खड़ी होकर उस बुद्ध को देखती रहो और मैं यहाँ से तुम्हें देखता रहूंगा। मैं जा रही हूँ। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। स्कूटी लेकर आई हूँ। ये बात है? तुम टेंशन मत लो, हमसे पहले वो पहुंच जाएगी। चले? क्या हुआ, चले? चलो जल्दी, चलो जल्दी, डरो मत, मेरे साथ चलो। हाँ।
फोन करना तू। कर तो रहा हूँ, लग नहीं रहा। मालिका टेंशन मत लेना, घर जाकर आराम से सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह फोन करूंगा, ठीक है ना? गिरी इसे घर तक छोड़ो। क्या हुआ बेटा, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूँ मैं। कौन थी ये लड़की? ओए, इज्जत से, ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो। वो मेरी होने वाली बीवी है, यानी कि तेरी होने वाली बहू। तमीज भूलोगे तो बाप हो ये भी नहीं सोचूंगा, मार डालूंगा। हट बे। सर, उस पांडू पर अटैक हुआ, लेकिन हमें कंप्लेंट देने के बजाय वो कहता है कि वो यहाँ था ही नहीं, क्यों कहा होगा सर? वो डर गया होगा ना सर। जरा अपनी टोपी तो उतार। तूने ना अपने बालों के अलावा अपना दिमाग भी खो दिया है। वांटेड फिल्म देखी है तूने? चार बार देखी है सर। स्टोरी बताऊं क्या? नहीं नहीं, उसमें सलमान खान पुलिस था या गुंडा? पुलिस था सर, अपनी तरह का पुलिस। तो फिर नाम वांटेड क्यों रखा? कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए सर। है ना, यहाँ भी ऐसा ही है राम नारायण। सच बोले बिना एक छोटा सा ट्विस्ट देकर पंडित के आदमी शंकर के आदमियों को, शंकर के आदमी पंडित के आदमियों को मिलते टपकाते जा रहे हैं। आप समझ गया सर। क्या समझा? कि पंडित अब किसको मारने वाला है? नहीं सर, ये वांटेड फिल्म हिट कैसे हुई थी सर? कौन हो तुम लोग? सर फोटोज देख लीजिए। या गुड आइडिया। तुम लोग मेरे स्टूडेंट हो ना? हाँ सर। तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दिखता नहीं, डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं। डांस प्रैक्टिस? हाँ सर। वो किस लिए? फाइनल में जीतना है तो प्रैक्टिस तो करनी होगी ना। Who are you? मैं इन बच्चों को डांस सिखाने आई हूँ, कोरियोग्राफर हूँ। तो मैं कौन हूँ? आप इस इवेंट के कोरियोग्राफर हैं सर। तो मुझे स्टेप सिखाने चाहिए ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तीन बार कोरिया हो आओ तो कोरियोग्राफर बन जाते हैं। स्टेप्स कंपोज करने के लिए मेमोरी चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली कह रही हो कि मुझ में नहीं है? नहीं, डायरेक्ट बोल रही हूँ। ओ, तेरे हाथ में मेरी फोटो। कोरियोग्राफर क्या होता है अभी तुम्हें बताता हूँ, तुम यहीं रुको। माइक प्लीज। साउंड। इस गाने पर अपने स्टेप कैसे करोगे, करके बताओ। ए रॉकी 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 मैं कावासाकी, हमने काफी है देखो जोश बाकी। ए लड़की 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 मुंबई की लड़की, चलो डांस कुछ तो कर लो अब रात बाकी। यू अब तुम मेरा डांस है अजूबा, आजा तो नच ले जी मुझे नच ले डांस सिखा चाची। Cut sound. Very good. Boys and girls, come. इन दोनों के स्टेप ठीक थे? तुम्हें किसका अच्छा लगा? सुनील का सर। मुझे भी इसका पसंद आया। ये स्टेप बाकी लोगों को सिखाओ, कौन सा अच्छा है यही लोग डिसाइड करेंगे। ओके? Hey you, come here. देखा ना, हमें जो आता है उसे जब दूसरों से कराते हैं तो उसे सिखाना कहते हैं, लेकिन जिसके अंदर जो हो उसे पहचान कर इनकरेज करना, मेरे जैसे टैलेंटेड कोरियोग्राफर की पहचान है। तो ठीक है, आप अपने टीम को खुद डांस सिखाइए, मैं जा रही हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? जाके अपने पागल बॉस से पूछो। पता नहीं क्या कह दिया। रुको रुको, बंद करो बंद करो सब। बस फोटो, मैं आपका असिस्टेंट। वो लड़की क्यों चली गई? कोई लड़की कहीं भी जाए मुझे क्या करना। पैसे देकर बच्चों को डांस सिखाने के लिए उस लड़की को रखा था। Where is the proof? जान ले लेगी आपकी ये proof। दिखाता हूँ, ये लीजिए। ये तो वही थी। अब मुझे क्यों मारा? जाने के पहले क्यों नहीं बताया? अरे आ गई बेटी, दिल्ली की छुरी है, मजाक नहीं सर। दिल पे मतलब बेटी। अब देखो, विश्व विख्यात क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है, हर टेस्ट में उसने सेंचुरी मारी क्या? कुछ टेस्ट में तो आकाश की ओर देखते हुए फील्ड में आउट होकर वापस पेवेलियन लौट जाता है, लेकिन उसकी वजह से तेंदुलकर को कम समझते हैं क्या? वो बात नहीं है सर। कोई बात नहीं है, चलो छोड़ो बेटी, अभी तुमने जितना झटका दिया है उससे तो वो पंडित पागल होकर गिर गिर चक्कर काट रहा होगा। सर
दो दिन से बच्चे यहीं पर हैं सर। बेचारे डरे हुए होंगे, उन्हें रिलैक्स करने के लिए थोड़ा बाहर ले जाना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं बेटा प्रभा, ये अपनी बेटी है, बोला ना, बच्चों को लेकर जाओ बेटी। सब कैसे हो? हाँ। दीदी तुम चिंता क्यों कर रही हो? हमें कुछ नहीं हुआ दीदी, हम सब ठीक है। हाँ देखो ना दीदी, दो दिन में कितनी बॉडी बन गई है। हाँ वो तो है, WWE फाइट के लिए भी तैयार है। पिटेगा क्या? हम लोग फाइनल के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर तुम हो तो हमें किस बात का डर है दीदी? दीदी तो आज हम बाहर जा रहे हैं ना? भाई एक बार बाहर चले गए तो वापस आना। एक मिनट सुनो बेटी, शाम तक तुम बच्चों को लेकर कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, रात होने से पहले तुम्हें घर वापस आना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जानती हो ना, तुम समझ रही हो ना? अब जाओ घूमो। ये ठीक नहीं है भाई, प्लान बनाया मैंने, रिस्क लिया मैंने, बॉम्ब लगाया मैंने। क्या खाक लगाया था तुमने? बॉम्ब हुआ क्या? वो तो बच गया ना। खैर अब जो हुआ छोड़ उसे, ये काम हमने करवाया था, ये बात अगर इसे पता चल गई ना तो फिर यह हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ जाएगी। संभल कर पीछा करना इसका, इससे मिलने के लिए वो दोबारा जरूर आएगा, इस बार मिस नहीं होना चाहिए।
चैन चुराए मेरी बिंदिया, चाहत मेरी उड़ाए निंदिया, अरमा जगाए ये हंसना मेरा, भूकंप सा है गुस्सा मेरा, मेरे होठों में सुरू, मेरी आंखों में सुरू, मेरे प्यार का ना उतरे दिल से सुरू, मेरे गालों में सुरू, मेरे अंगों में सुरू, मेरे रूप में भरा है सुरू ही सुरू। अच्छे से प्रैक्टिस करो, मैं कल आ गई हूँ, ठीक है? ओके दीदी, बाय दीदी, बाय। पंचर हो गया, वरना अभी तक आ गया होता। हाँ, 10-15 मिनट में हो जाएगा। हाँ, ठीक है, ओके। ये लड़की किसी टीवी डांस शो में कोरियोग्राफर। हाँ वही है सर, है ना? हाँ, यस। ये शंकर के घर से बाहर क्यों निकली? पता नहीं सर। इस लड़की का नाम मल्लिका है सर। मल्लिका? यस यस, मैं समझ गया। इस लड़की ने हमें छोटा सा क्विज कॉन्टेस्ट दे दिया। ब्रेकिंग न्यूज, बिग बॉस के घर में मोनिका देवी का प्रवेश। उसकी वजह ए, डांसर और डॉन के बीच में प्यार। बी, डांसर को ब्लैकमेल करता डॉन। सी, डॉन को नचाने वाली डांसर। इन तीनों में आपको जो भी सही जवाब लगे तो अपना मोबाइल फोन उठाकर डॉन स्पेस डांसर स्पेस करके अपना ऑप्शन टाइप करके 100 पर यानी मुझे SMS कीजिए। हाय, आई एम भारद्वाज, ACP क्राइम ब्रांच। अंदर आ सकता हूं? नाम मल्लिका, शहर दिल्ली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से MBA किया है, कुचुपुड़ी कनक महालक्ष्मी जी से क्लासिकल डांस भी सीखा है। लेकिन अगर कैरेक्टर की बात करूं तो दिल्ली शहर से भी ज्यादा क्लीन एंड ग्रीन हो। डांस इंडिया प्रोग्राम के लिए मुंबई आई हो, सेमीफाइनल जीत लिया है, अब फाइनल में जा रही हो, गुड। तुम्हारी स्पीड देखकर उस शंकर ने घर दे दिया है तो वेरी लकी। यहां तक तो तुम्हारी फिल्म मुझे साफ दिख रही है, लेकिन अब एक छोटा सा कंफ्यूजन है। उस पंडित के बेटे ने सबके सामने कहा कि तुम उसकी बंदी हो। लोग कहते हैं प्यार है। वो क्या है कि इट्स ओके, लव इज ब्लाइंड, कोई भी किसी से भी कर सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए एक बात जानना बहुत जरूरी है। तुम्हारे इस शहर में आने से पहले उनकी आपसी मारपीट में काफी लोग मारे गए। कुछ दिन पहले शंकर के बेटे को पंडित ने मरवा दिया, लेकिन अब पंडित का बेटा पांडू वो तुम्हारे पीछे घूम रहा है। सो यू आर इन अ डेंजरस जोन। जो हुआ उसके हिसाब से जो होने वाला है वो बहुत खतरनाक लगता है। एनीवे, दिस इज माय विजिटिंग कार्ड, आगे कुछ भी हो तो मुझे फोन कर सकती हो, चलता हूं। ओके, इफ यू डोंट माइंड, एक छोटी सी एडवाइस है। हम ही नहीं, हमें चाहने वाले भी क्लीन एंड ग्रीन होने चाहिए, वरना उनका कुछ नहीं होगा, हमारा नुकसान होगा। चलता हूं। जिस तरह चंदन पर लिपटे सांप को पता नहीं होता कि वो बेशकीमती चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ है, उसी तरह मैं दूसरों का भविष्य तो बता पाता हूँ पर अपने ही बेटे का भविष्य नहीं बता पा रहा। अब परेशान मत होइए भैया। ओए, उसके बारे में कुछ पता चला? उस दिन जमीन की बात करते वक्त जो लड़की आई थी वही तो है। क्या वो पगली? वो पागल नहीं है भाई, भैया को ही दीवाना बनाकर अपने पीछे लगा रखा है उसने। उसका नाम है मल्लिका, डांस टीचर है वो। डांस टीचर है? हाँ भाई, वो टीवी पर कोई डांस प्रोग्राम है उसके लिए इतनी दूर दिल्ली से यहाँ बॉम्बे आई है। वो जो कॉमन घर है ना अपना, उसमें शंकर के हिस्से में रहती है। शंकर के हिस्से में रहती है? तो फिर कहीं उसका इसका कोई लिंक तो नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो जैसे उस दिन यहाँ आई थी ना ऐसे उसके पास भी गई थी वो।
तो रोज उससे मिलने के लिए ये उसके घर जाता रहता है क्या? वो तो भाई, क्या कर रहे हैं भाई? अरे भाई मैंने क्या किया भाई? मत करना, कहा था कि नहीं। अरे बेटे रुक जा। अरे भाई भैया घर पर ही है, अभी आई है। अभी घर पर आ, अभी के अभी यहाँ पहुँच। तेरी माँ के पति को इसलिए छोड़ रहा हूँ, कहा था ना तेरी बहू है वो। हा? कोई मर्द का बच्चा अपनी बहू पर नजर नहीं रखता, समझा? समझे कि नहीं? ये लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की ना तो मार डालूंगा, मार डालूंगा तुम्हें। अरे बेटी मैं हूँ मैकडोनल्ड प्रसाद। अंकल सॉरी अंकल। अरे कोई बात नहीं, ये बताओ उल्लू का पट्टा कहाँ है? वो रिहर्सल कर रहा है अंकल। क्या बेटी, एक हफ्ते से देख रहा हूँ, कभी पार कभी म्यूजियम बोलती हो और अब तुम रिहर्सल बोल रही हो। वो है भी या फिर उसे किसी नदी नाले में ढकेल दिया? अंकल बुरा मत मानो बेटी, ऐसे ही मजाक किया था। सेमीफाइनल में उसका डांस देखने के बाद मेरी कॉलोनी में मेरा क्रेज बढ़ गया है। वन मिनट। मना करने पर भी ये लोग दारू लाकर दे जाते हैं। उसे एक बार बात करने का मन था तो फोन कर दिया बेटी। अरे यार कल पार्क गए थे तो वहाँ बात करा दी होती। अंकल अभी तो वो यहाँ है नहीं, लेकिन जब हम पार्क गए थे तब कुछ फोटोज लिए थे, मैं आपको फोटोज भेज दूँ। हाँ मेरा ईमेल एड्रेस लिख लो बेटी। हाँ बोलिए अंकल। मैकडोनल्ड प्रसाद _fullbottle@cottermail.com। हाँ तुम चौंको मत, ये मेरा नया ईमेल है। ठीक है अंकल, मैं अभी आपको मेल भेज देती हूँ। लगता है कोई मेरा पीछा कर रहा है। छुप गया, इसे तो आज मजा चखाती हूँ मैं। मैं हूँ नारा चंद्रशेखर। तो बता तू अब तक पार्क से मेरा पीछा क्यों कर रहा है? हाँ पार्क से नहीं, दिल्ली से पीछा कर रहा हूँ। पर क्यों? क्यों क्या, तुम तो गुड कोरियोग्राफर हो और मैं स्क्रू लूज कोरियोग्राफर हूँ, ठीक से स्टेप नहीं सिखा पाता हूँ, तो दिल्ली में मुझे किसी ने मौका ही नहीं दिया। हाँ? हाँ करेक्ट। तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे स्टेप्स को कॉपी करके अपनी टीम को सिखाता हूँ। देखने वालों को मेरा चेहरा नहीं दिखता है क्या? ग्राफिक्स तुम्हारा चेहरा ना देखे इसलिए काला कर देता हूँ। ए तू वाकई कोरियोग्राफर ही है ना? वन मिनट वेयर इज माय फोटो, ये रहा, मैं कोरियोग्राफर हूँ। ए खुद को कोरियोग्राफर बोलती हुई तुझे शर्म नहीं आती? नहीं आती है। मल्ली मल्ली तुम अपने स्टूडेंट को कहाँ प्रैक्टिस कराती हो बता दो, तो मैं अपना कैमरा लेकर वहाँ जाऊँगा। बताओ ना मल्ली। हाँ पाताल में। मल्ली मल्ली हम लोग एक ही है ना। What happened? Something happened. Next time देख लूँगा। hey, कौन हो तुम? यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? यहाँ के ACP से जबान लड़ाता है। ये यहाँ के ACP है, इसका वेयर इज द प्रूफ? यस प्रूफ, पुलिस से ही प्रूफ मांग रहा है, ये जरूर कोई नक्सलाइट या टेररिस्ट होगा सर। करेक्ट। क्यों मेरे बेटे? हाँ बेटा तेरा कौन सा गिरोह है? मेरा कोई गिरोह नहीं है बेटा। हाँ। मेरे पीछे बहुत बड़ा गिरोह है। हाँ? 1 dozen people in my backside, you know? पीछे मतलब यहाँ नहीं, some other place। अगर 12 लोग इसके साथ हैं तब तो फिर जिस तरह से उस होटल को उड़ाया था उसी तरह हम रोज जिस आंटी की दुकान पर चाय पीते उस उड़ाने का ये लोग प्लान कर रहे हैं सर। वो दूसरी जगह कहाँ है? कल के लिए हम लोग
आज रूम में प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये कंफर्म एक टेररिस्ट है सर। कंफर्म सर। ढूंढा लो इसको। सर मेरे बॉस को मरवा रही है। क्यों रे, ये टेररिस्ट तुम लोगों का लीडर है क्या? सर ये बाथरूम में कॉकरोच देख लें तो पैंट गीली हो जाती है, ये टेररिस्ट कैसे हो सकते हैं? ये तो कह रहा है कि एक दर्जन लोग कल के लिए किसी जगह पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो क्या है? सर ये डांस इंडिया के डांस मास्टर हैं सर। डांस मास्टर है लेकिन देखने से तो लगता नहीं है। ये मल्लिका का पीछा क्यों कर रहा था? कॉपी करने के लिए सर। ऐसा भी होता है? सर इंग्लिश फिल्मों की कॉपी तो सभी करते हैं, डांस कॉपी करने में क्या गलत है? सच बोल रहा है ये। इनका बस चले तो ये सारा सच उगल दे, पर इन्हें याद ही नहीं रहता। तुझे जो कुछ भी करना है कर, लेकिन मल्लिका का पीछा दोबारा मत करना। अगर मुझे दोबारा ये खबर मिली ना तो यहाँ तक, समझ गया ना? मर गया। चलते हैं सर, चलिए। भैया ठीक तो है ना? क्या रे, क्यों आया यहाँ पर? वो क्या है, अंदर कोल्ड ड्रिंक्स खत्म हो गई है, थोड़ी सी अपनी कोल्ड ड्रिंक्स देंगे? कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए? ओए कोल्ड ड्रिंक्स ठीक है, पर तुम्हारी प्रैक्टिस कैसे चल रही है? हम तो उठा उठा कर फाड़ डाल रहे हैं भैया। राइट, हमको ही मिलना चाहिए। मिलेगा ना भैया? आप दो तो सही। हाँ ये ले। थैंक यू। ये क्या भैया, अजीब सा टेस्ट है। फॉरेन का कोल्ड ड्रिंक्स है बेटा। ओ थम्स अप में फॉरेन क्वालिटी भी आती है क्या? क्या पी अब? हाँ चलो तेरी बारी। आगे से आपसे ही थम्स अप लेने आया करूँगा। हाँ ठीक है, आ जाना। चल जा भैया। गुड मॉर्निंग। एक ग्लास और। अरे अभी तो पिया था ना यार। वो मेरे लिए था। ये आपके लिए। मेरे लिए भी पिएगा? आपके लिए, आपके लिए। हाँ ठीक है ठीक है, देता हूँ। ये ले। थैंक यू। सुपर, बहुत बढ़िया। वन मोर प्लीज। देना। ओए, अपने लिए पिया, मेरे लिए पिया, सबके लिए पिया, आप किसके लिए रे? ये मेरे टीम के लिए। टीम के लिए? तो टीम के लिए भी पिएगा? जा अंदर जाकर डांस कर। देखना मुझे उसने कहा। देख, मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन मेरी टीम को कुछ कहेगा ना तो मेरा शैतान जाग जाएगा। मेरा शैतान जाग गया ना तो मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं क्या कर डालूंगा। बहुत बकवास कर रहा है, एक गोली मोड़ा दूंगा तुझे। अबे भरी हुई है वो। अच्छा मुझे तो दिवाली वाली पिस्तौल लगी। डड़ंग 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 डड़ंग। अब मैं डांस नहीं करूंगा, तुम लोगों को नचाऊंगा। हमें नचाएगा? आज मिला है मौका मुझे, छोड़ूंगा ना मैं अब तुझे। अरे आज मिला है मौका मुझे, छोड़ूंगा ना मैं अब तुझे। नाचोगे तो मार खाओगे, नाचोगे भी तो मार खाओगे। आज चाहे जितना नचा ले, वक्त तो हर एक का बदले। आज चाहे जितना नचा ले, वक्त तो हर एक का बदले। नशा ये तेरा दो पल का, उसके बाद तू सोच ले। नशा ये तेरा दो पल का, उसके बाद तू सोच ले। वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे तो लगा छत पर कोई हेलीकॉप्टर उतरा है। लेकिन यहाँ तो तुम डांस कर रहे हो। दादाजी वो पिस्तौल मुझे दे दो बेटा। मैं किसी को नहीं दूंगा। तो बदले में क्या चाहिए? मुझे कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए। जाकर कोल्ड ड्रिंक लाओ सबके लिए। वो कोल्ड ड्रिंक्स नहीं। फिर कौन से? ये भैया ने दिया ना वो कोल्ड ड्रिंक। कौन सा कोल्ड ड्रिंक है? अरे वो अपना वाला था ना। समझ गया मैं, समझ गया। तुमने अपनी मौत उसके हाथ में दे दी है। इधर आ तो भाई, उस लड़के के हाथ में लोडेड गन है। उसकी चिंता मत करो, वो नशे में है, एक घंटे बाद उसका सारा नशा उतर जाएगा। और देख, उस ज्योतिषी के हिसाब लगाने से पहले ही उसके सारे लोगों का हिसाब हो जाना चाहिए। मारो सब लोगों को।
उसे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। बेटा, गोचर हमें ये बता रहे हैं ग्रह बदलने वाले हैं, तो अब हम उसके ग्रह बदल डालेंगे बेटा। दिल्ली और मुंबई में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये विस्की की बोतल है तो वो ब्रांडी की है, तो दोनों शराब ना। तुम मुझे पसंद आए। मुझ में क्या खराबी है सर? तुम बियर लगते हो, ये रम की तरह दिखता है। चलो 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 चलो, ये लो बैग पकड़ो, चलो। सर किधर जा रहा है सर? अपने बेटे के पास जाना है। आपके बेटे के पास? आपका बेटा कौन है सर? मुंबई में रहते हो फिर भी पूछ रहे हो कि मेरा बेटा कौन है? अरे तुम शराब पीते हो या रास्ते की कोई कच्ची दारू? अकल नहीं है तुम्हें, उसे पहचानते नहीं हो सर। हाँ पकड़ लिया, ये पकड़िए जरा। हाँ बोलो, क्या बोलते हो? मुझे माफ करिए, आप कोई और रिक्शा ले लीजिए। रुको, सुपरस्टार के बेटे अभिषेक को जानते हो? जानता हूँ। सुपरस्टार स्टार के बेटे फरदीन को जानते हो? जानता हूँ। उद्योगपति के बेटे अनिल को जानते हो? हाँ भाई जानता हूँ। इतने लोगों के बेटों को जानते हो तो मेरे बेटे को क्यों नहीं जानते? अब तुम किसके बेटे हो? अरे ये क्या बात हुई साहब, ये तो बताइए कि आपका बेटा करता क्या है? ये पूछा अच्छा लगा। तुम्हारे घर में टीवी है? है सर। उसमें डांस प्रोग्राम आता है, देखते हो? हाँ शाम को ना, कभी कभी देख लेता हूँ। हाँ उसमें डांस देखते वक्त कभी तुम्हारी आंखें चकराई या फिर सर घूमने जैसा लगा था क्या? वो क्यों सर? वो इसलिए क्योंकि जिसके डांस से किसी ऑडियंस की आंखें चकराई या सर घूमने जैसा लगा हो वही मेरा बेटा है। लगता है सुबह सुबह चढ़ा के आए। तुमने जो सोचा वो सही है। नमस्कार सर, वो जगह यही पास में है, आप पैदल जा सकते हैं। अब क्या है? आप कहाँ चले भाई, अपने ऑटो से मुझे वहाँ ले चलिए। देखो बेटी, अंदर मेरा डुम बेटा होगा, एक बार बुलाओगी उसे? डुम? ये कौन है जी? लगता है मेरे बेटे का डांस देखने से इसके दिमाग में फ्रैक्चर हो गया है। सर एक्सक्यूज मी, वो क्या है ना बेटी, जिसकी कमर हाथी जैसी है और जबरदस्ती नाचने की कोशिश करता है वही। सर जी ये हाथियों के उछलने वाला सर्कस नहीं है, टीवी चैनल का ऑफिस मतलब, है। मतलब क्वार्टर बोतल और वाटर बोतल में अंतर न जानने वाला दिल्ली से लल्लू दिखता हूँ क्या मैं तुम्हें? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरा डूम यहाँ है या जिस तरह से दारू में सोडा मिलाते हैं उसी तरह से मल्लिका ने उसे कहीं और मिला दिया है। अच्छा तो आप उस डांस कंटेस्टेंट डूम के फादर हैं? नहीं वो मेरा बेटा है। कहाँ है वो? सर आप बैठ जाइए, मैं मल्लिका जी को बुलाती हूँ। हाँ ये अच्छी बात कही है तुमने। हेलो मल्लिका जी। हाँ जी आप कौन? मैं आर टीवी से बोल रही हूँ। आपके पार्टिसिपेंट डुम के फादर आए हैं, मेरा दिमाग चाट रहे हैं। चेयरमैन साहब के आने का टाइम हो गया है, आप यहाँ आकर मिल लीजिए ना उनसे। मेरे आने तक थोड़ा मैनेज कर लो, मैं 10 मिनट में पहुँचती हूँ। 10 मिनट? ओके। नमस्कार, चीफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रामचंद्र जी से। हार्ट अटैक के मेन कारण को पिछले हफ्ते हमने जाना था, इस बार हार्ट अटैक आने वाले लोगों के भोजन के बारे में हम जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। हार्ट अटैक आने वाले लोगों के खाने के बारे में अगर बताया जाए तो मुख्य रूप से ऑयली खाना एकदम बंद कर देना चाहिए, और कहूँ तो शराब तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए। एक पेग भी नहीं पी सकते? एक चम्मच भी नहीं पी सकते हैं। क्या कहा, हार्ट अटैक वाले लोग एक पेग भी नहीं पी सकते हैं? एक चम्मच भी नहीं पी सकते, अभी तो कहा ना। एकदम गलत, हार्ट अटैक वाले लोगों को रोज 2 पैग ब्रांडी जरूर पीनी चाहिए। किसने कहा है? डॉक्टर राधाकृष्ण जो मेरी कॉलोनी में है। वो भी कार्डियोलॉजिस्ट है क्या? नहीं फ्लूटिस्ट। फ्लूटिस्ट है तो डॉक्टर कैसे हो गए भाई? वो संगीत के कॉलेज में पढ़ाते हैं इसलिए वो डॉक्टर हो गए। यही नहीं, डॉक्टर राम नारायण, डॉक्टर ब्रह्मा कुमार, डॉक्टर शिव कुमार और अभी डॉक्टर बने अशोक कुमार प्रोड्यूसर, ये सर भी डॉक्टर हैं। अच्छा जी। ए, कौन है ये लाइव प्रोग्राम में? अरे बाहर निकलो उसे। क्या हुआ, झटका खा गए? 2 पैग ब्रांडी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। अंकल क्या हुआ? अंकल कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं। ठीक है अब आप यहाँ से चलिए। हाँ चलो। अरे मेरा वो डूम कहाँ है? क्या सोचने लगी हो, कहीं टपक तो नहीं गया? ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, अभी वो रिहर्सल्स में। तो मुझे भी वहाँ ले चलो। नहीं ले जा सकती अंकल। क्यों नहीं ले जा सकती हो, मैं उसी से तो मिलने आया हूँ। एक्चुअली वी आर नॉट सपोज्ड टू गो देयर, इट्स नॉट अलाउड बिकॉज़ ब्रांडी विस्की जिन रम बियर वाइन शकीला तकीला तंबोला सोडा कोल्ड ड्रिंक्स आइसक्रीम मेनू कार्ड वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड नाइट सर, फाइनली मंचिंग सर। मुझे भी आती है इंग्लिश, मुझे घुमाओ मत, उसके पास चलो। Okay.
सुपर छोटे, तेरे जैसा भाई पाकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। आजा मेरे पास, आजा मुझसे गले लगा, आजा। इसका यही एक रास्ता है भाई, यहाँ पर हमारे फ्लैट्स होंगे और यहाँ पर उसके फ्लैट्स होंगे, ये उसका रास्ता है। ये नया आदमी कौन है बेटी? डुम के फादर हैं, उसे देखने की जिद कर रहे थे तो मैं यहाँ ले आई। डुम मतलब वो मेरा मोटा पोता ना? जी हाँ डैडी। मुझे डैडी क्यों बोला है? जब वो तुम्हारा पोता है तो तुम मेरे डैडी हुए ना। ये बात हाँ। अच्छा लॉजिक है बेटा प्रभात। हाँ भाई, इस उल्लू के पट्टे को ऊपर हाँ। लेकर जाओ, चलो। 1 2 3 4 एक पैर पर नाचने पर कष्ट संहारक विनय की तरह लग रहा है ये मेरा बेटा। कौन है बे? बे नहीं तेरा बाप। नहीं, मेरे माँ के पति हैं। आप यहाँ पर भी आ गए? आजा मेरा बेटा, आजा। रुक बे, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखने के लिए आया हूँ। तुम्हें देखकर मेरा पेट भर गया, अब खुशी से किसी बार में जाकर बैठूंगा, एक फूल मारूंगा, कल ट्रेन में घुसकर दिल्ली चला जाऊंगा। यहाँ अंदर ही आना होता है, बाहर जाना सपने में भी नहीं हो सकता। ऐसा क्या है यहाँ? एक गुड न्यूज है, हम लोग किडनैप हो गए बापू। किडनैप का मतलब ना जानने वाला लल्लू दिखता हूँ क्या तुझे? किडनैप मतलब चाकू चाहिए, छुरी चाहिए, लाठी चाहिए, कहाँ है वो? छुरा मांगा था ना, गन ही आ गई। समझ गया, चलाओ चुपचाप अपना काम कर। किडनैप हो गए तो भी यहाँ क्या कर रहे हो? चलो दीवार फाड़ कर भाग चलते, चलो मेरे साथ। हम नहीं चलेंगे। और तू? मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं आओगे तो मैं शांत बैठा रहूंगा क्या? बाहर जाकर पुलिस बुलाकर तुम्हें छुड़ाकर नहीं ले गया तो मेरा नाम मैगनोल प्रसाद नहीं। चल बे। हाँ, बोला ना, जा जा। भाई ये किसी काम का नहीं है, छोड़ दीजिए ना इसे। पहले इसे समझाओ भाई। हेलो अंकल, मेरे पापा पुलिस वालों को लाने जा रहे हैं। पकड़ दे उसे जाकर। ए, तुझे मैंने कैसे पैदा कर दिया? आपने नहीं, मेरी माँ ने पैदा किया था। आग लगे? आपको आग लगाऊंगा ना। ये नहीं सुधरेगा, इसे जरा पुलिस वालों की स्टाइल में मारो। अरे मत मारो, मत मारो, छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो, मत मारो, मत मारो। अरे अरे क्या कर, छोड़ दो। मैं कितनी बार फोन किया पर तुमने जवाब नहीं दिया। मैं तो सोच बैठा था तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। I'm sorry, लेकिन डांस फंड छोड़कर तुम्हारा मेरे फोटो कैसे देखना और मेरा खाना वाना छोड़कर तुम्हारे बारे में सोचना, मैं यहाँ तुम वहाँ फिल्मों की तरह बहुत मजेदार लग रहा है ना। अब देखो हम दोनों एक होने वाले हैं, तुम्हारा इस तरह अकेले सपने देखना, इस तरह अकेले शर्माना मुझे जरा भी पसंद नहीं है। मैं आज ही पिताजी से बात करता हूँ, हम कल ही सगाई कर रहे हैं। रहने दो, मुझे पता है तुम क्या कहने वाली हो। मुझे जोर का झटका लग गया, यही कहने वाली हो ना? अपना ये शर्माना शादी के बाद उस दिन के लिए रख लेना, कल सुबह तुम तैयार है ना? ठीक है। नई नवेली दुल्हन, I love you। अरे बाप रे, ये शर्म तो मुझे मार डालेगी। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? वहां सब अपने ही लोग रहेंगे, मैं भी वहां रहूंगा। ये देखो, पिस्तौल मेरी होगी, निशाना तुम्हारा होगा, पिस्तौल की गोली मेरी, खोपड़ी उसकी, बस एक गोली। भाई। और वो पहुंच जाएगा मेरे बेटे के पास। उसकी सगाई का मुहूर्त ही उसकी मौत का मुहूर्त बन जाएगा। तुम्हारा नाम ना है ये मैं देख लूंगा। काम होने के बाद अपने बच्चों को साथ लेकर कहीं भी चली जाना, जो तुम्हें करना होगा करना, कोई पूछने नहीं आएगा, प्रॉमिस। बेटा प्रभा, नई दुल्हन है ना ये, शर्माना चाहिए, ऐसे टेंशन में नहीं रहना चाहिए बोली से। हाय बेटी, जाओ जाओ। क्या है ये सब? पब में सेटलमेंट करने के बजाय मुझे यहाँ क्यों बुला? बात वो नहीं है भाई। तो बात क्या है? अंदर आपके बेटे की सगाई चल रही है।
सगाई वो भी पब में। पब में भी कभी कोई दिमाग वाला इंसान सगाई करता है क्या? हा? 3, 5, 8, 11, 14 आ जाओ। तुम डर गई थी ना? यहां मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मुहूर्त का टाइम निकल जाएगा। आओ नहाकर तैयार हो जाओ। लो क्या हुआ, मैं भी आऊं क्या? नहीं हा? मैं जाती हूं। तो जाओ। मारने के लिए मुझे शंकर भाई ने भेजा था। एक को बचाने के लिए दूसरे को मारना स्वार्थ होता है, लेकिन 10 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एक को मारो वो जरूरत होती है। मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए तुझे मारना मेरी जरूरत है। ज्योतिष विद्या के बल पर किसका भविष्य क्या है ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे का भविष्य ऐसे मिट्टी में मिल जाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। खत्म हो गया, मेरा साम्राज्य खत्म हो गया। कॉन्स्टेबल्स। यस सर। जल्दी से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दो। बेटा जाओ तुम लोग यहां से, मुझे अकेला छोड़ो, जाओ। मुझे जाने की इजाजत दीजिए। वो क्यों? आपने जो कहा था वो कर दिया, अब मैं बच्चों को लेकर चली जाती हूँ सर। थैंक यू सर, अब मैं जाती हूँ सर। सॉरी बेटी, इस एक्शन और उस क्राइम स्टोरी का अब लिंक बनेगा। तुम अब एक काम करो, उस पंडित को भी मार दो। अब उसका टारगेट मैं नहीं हूं,
तुम हो, क्योंकि जगह मैंने बताई, लेकिन मारा तो तुमने, वो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को काट डालेगा। अगर ऐसा होने से रोकना है तो मार डालो उसे। सर, तुझे नहीं छोड़ेगा वो। ये क्या सर, आपने तो कहा था अगर मैंने पांडा को मारा तो ये खबर बच्चों के अलावा किसी और को नहीं लगने देंगे। कहा था ना, तब ऐसा कहा था, अब ऐसा कह रहा हूँ। मार डालो उसे, नहीं तो वैसे कल तुम्हारे फाइनल्स है ना, तो फिर से सोच लो। नो एक्सप्रेशन, काउंटडाउन स्टार्ट। काम खत्म करके आओ, मैं बाहर इंतजार करता हूं। भाई, मल्लिका का फोन है। हाँ, दे 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 दे। हाँ बोलो बेटी मल्लिका। पंडित अब मेरे कब्जे में है, तुम आकर उसे मारोगे या मैं मार डालूं। नहीं रुक जाओ, उसे तो मैं खुद ही मारूंगा आकर। तो फिर तुम जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाओ, पर तुम अकेले आओगे। हाँ अकेले आ रहा हूँ मैं वहाँ। हाँ बोलो। यहाँ आने से पहले मेरे बच्चों को छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देता हूँ। वहाँ प्रसाद अंकल को फोन दो। हाँ देता हूँ। अरे बेटा भागम प्रसाद यहाँ, मल्लिका का फोन है। मैं बाकी की बातें आपको बाद में बताऊंगी, फिलहाल आप बच्चों को लेकर स्टूडियो पहुँचिए प्लीज। बच्चों को मैं देख लूंगा बेटी, चिंता मत करो। ठीक है, लाओ। ओए तू यहीं पर रुक। ए, तू मुझे मारना क्यों चाहती हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? दिमाग तो सही है या फिर पागल हो गई हो? मुझे अच्छी तरह से देख, तू देख। इस पर कब्जा हो गया है सर। जी हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सर, लोग? ये पंडित जी हैं। नमस्कार। स्वतंत्रता सेनानी जसराज जी के पोते हैं सर। बहुत खुशी हुई मिलके, बैठिए। थैंक यू सर। टाइम अच्छा है। मैंने सुना है कि आपके दादाजी ने कई अनाथ आश्रम बनाए हैं। सिर्फ अनाथ आश्रम बनाए नहीं है सर, उन्हें चलाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी है सर। सर दान कर दी, सब कुछ दान में दे दिया। बेटे के हाथ पैर चलते हैं तो उससे बड़ा सुख क्या हो सकता है, इसीलिए एक एक ईंट दान में दे दी। अब कुछ नहीं बचा, लेकिन काम धंधे के बिना हम मरे जा रहे हैं। इसीलिए अब सरकार हमारी कुछ सहायता कर देती तो। आप जैसे लोगों की सहायता करना सरकार का सौभाग्य है। अनाथ लोगों की सुख सुविधाओं के लिए आपके आश्रम को 10 करोड़ का लोन दिया है। थैंक यू सर जी। देखिए मैंने आज ही चार्ज लिया है, एक बार मैं आप लोगों की फाइल देख लूं, मैं खुद ही पैसा आपको सौंप दूंगा। अब और बात करने की जरूरत नहीं, चलते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सर। इस प्रोजेक्ट में थोड़े छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, इनके पेपर्स तैयार कर लेते हैं। और सर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? रुको। साहब मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ एक बार कलेक्टर साहब से मिलने दीजिए ना। नहीं मिल सकते। प्लीज अंकल। अरे साहब अंदर अभी बहुत बिजी है। साहब एक बार बात करने दीजिए। प्लीज अंकल एक बार अंदर जाने दीजिए ना। इन बच्चों की जिंदगी का सवाल है साहब। राजाराम। हाँ साहब। कौन है ये लोग? नमस्कार साहब। नमस्ते बच्चों। नमस्कार कर सको? नमस्कार सर। कौन है माँ जी आप लोग? ये सब लोग मदर टेरेसा अनाथ आश्रम के अनाथ बच्चे हैं। तो ये यहाँ क्यों है? हम अपने प्रॉब्लम्स बताने आए हैं। प्रॉब्लम्स? मैंने तो सुना है आपके आश्रम को पंडित जी बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं। साहब एक महात्मा के घर में जन्मा राक्षस है वो। What? ये ठीक कह रही है साहब, उन दोनों का मीठी मीठी बातें करना एक नाटक था, वो सरकारी पैसा खाना चाहते हैं। Oh, I see. साहब हम लोगों के हालत बहुत ही खराब है, बच्चों को खाना खाए 2 दिन हो गए। अंकल मैडम हमेशा हमें बोला करती है, हम जैसे अनाथों का कोई हो ना हो ऊपर वाला होता है, हमारे लिए तो इस वक्त आप ही ऊपर वाले हो अंकल। प्लीज अंकल। प्लीज अंकल। प्लीज अंकल। प्लीज अंकल। ये पैसे रखो और इन बच्चों को ले जाकर पेट भर खाना खिलाओ।
ठीक है सर। थैंक यू सर। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मल्लिका कुमारी। मल्लिका तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है वो एक पेपर में लिखकर मुझे दो, उन्हें मैं देख लूंगा। ठीक है? ठीक है अंकल। कलेक्टर साहब से शिकायत की हमारी, क्यों किए बताओ? उंगली जितनी बड़ी नहीं है लेकिन तेरी लंबाई जितना काम करके आई है। इसी ले जाकर कार की डिक्की में बैठाओ, हाथ पैर बांध देना। क्या कर रहे हो? छोड़ो। रुक रुक, कलेक्टर साहब आ रहे हैं। बच्चों हाय, कैसी है माजी? आपके कहने के बाद उनके जितने आश्रम में वहां मैंने इंक्वायरी की, सारी जगह पर ऐसी हालत है। इन बच्चों को मैं इंसाफ दिलाऊंगा, मैंने सोच लिया है। ए, क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ आप लोग की हालत सुधरने वाली है, पर कोई हंसी नहीं रहा। आजी कलेक्टर साहब, झंडा फहराकर तालियां बजाने को बोलो तो ये लोग तालियां बजाते हैं। अब ये क्या बताएंगे? इनसे क्यों पूछ रहे हो आप? आप यहाँ? अरे इसने तो हमें पहचान लिया। देखो कलेक्टर, अब तुम बात तो समझ गए होगे ना, इस अनाथ आश्रम के दान का पैसा और गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, इन दोनों घोटाले में तेरा कितना परसेंटेज है ये हमें बता दे। अनाथ पैदा होने वाला हर बच्चा इस जगह को अपना घर कहता है, इनके लिए मंदिर है, और तुम यहाँ पर भी घोटाला कर रहे हो। देखो ज्यादा परेशान मत करो, कितना चाहिए मैं बता दो। जब तक मुझ में जान रहेगी इनके साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। क्या बात हुई? काम कर रहे अपना तू। देख ले कलेक्टर, काफी है या कुछ और करना होगा? आप लोग चुप रहेंगे, मैं करूंगा। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते, साइन कर भाई। ये सब अपने आदमी है, अपने इन्फॉर्मर है। सर यहाँ साइन कर दीजिए ना भाई, नहीं तो बच्चे भी पार साल हो जाएंगे। रुको, ये सब जिसने भी देखा है वो जिंदा नहीं बच सकता। नहीं प्लीज। मतलब तुम उस दिन? अब भी समझ नहीं पाया क्या? मैं मरने वालों में से नहीं, मारने वालों में से हूँ। तुम्हारे आदमियों को और शंकर के आदमियों को मैंने ही मारा। मौका पाने के लिए मैं हमेशा तुम लोगों के आसपास ही रही। पहले तुझे और फिर उस कमीने शंकर को। कहा है बेटा वो? कहा है वो? इसे मुझे सौंप कर यहाँ से तुम डायरेक्ट डांस प्रोग्राम में चले जाओगी, मतलब क्या बात है। अब तू बता बेटा, क्या फंसा है तू? तो एक पागल कुत्ते को पकड़कर बांधते हैं ना, ठीक उसी तरह से बांध कर रखा है तुझे। क्यों बे, मेरे बेटे को मरवाएगा? मुंह खोल रहे। मुंह क्या होता है? बकरे की तरह मिमिया कर गर्दन क्या हिला रहा है? सड़क के किनारे एक तोते को लेकर ज्योतिषगिरी क्या करता था तेरे लिए? उस जस जसराज और उसके बेटे को मार कर उसका पोता बनाकर तुझे यहाँ लेकर के आया था। मुझसे ही गेम खेलता है तू? बोलता क्यों नहीं है तू? ओह मुंह बंद है ना, बोल। तुम्हारे बेटे को मैंने नहीं मारा। तो किसने मारा रे? बोल। मेरे बेटे को मैंने मारा था। ए, मैं तुम दोनों को जान से मार डालने के मकसद से आई थी, लेकिन शंकर मेरे बच्चों को किडनैप करके तूने मुझे बहुत टेंशन दे दी थी। बेटी यहाँ छोड़कर कहाँ जा रही हो? अरे ओ शंकर, लगता है मौत हमारे करीब आ गई, कुछ तो करना। हम तुम्हारे बाप जैसे हैं, हमें छोड़ दो बेटी। बेटी बेटी, घोटाले ही नहीं आगे से कोई भी गलती नहीं करेंगे हम लोग, हमें छोड़ दो बेटी। ए! छोड़ दो। रोड बनाने के लिए स्कैम, फ्लाईओवर बनाने के लिए स्कैम, घर घर में बिजली पहुंचाने के लिए स्कैम, मेडिकल स्कैम, वाटर स्कैम, चारा स्कैम, जहां देखो स्कैम स्कैम स्कैम, रेडी हेल विद स्कैम। वो बेचारे उन लोगों के खाने और पढ़ाई के साथ भी तुम लोगों ने स्कैम किया। जो स्कैम तुम लोगों ने किया उसकी वजह से जो गरीब बच्चे बेचारे गांव से पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं, उन्हें खाना पीना कपड़ा और शेल्टर के बिना कड़ी धूप में रखकर बारिश में भिगाकर जिंदगी बर्बाद कर दी उनकी।
तुम्हें दोबारा इंसान का जन्म मिला ना तो तुम भी अनाथ बनकर पैदा होगे। क्या हुआ बेटी, मेरा मोबाइल ले रही हो? ये सब क्या है? सिलेंडर के पास मोबाइल रख दिया, अब क्या होगा? मोबाइल बजेगा तो सिलेंडर फट जाएगा। बेटी बेटी हमें माफ कर दो बेटी, बेटी बेटी जाओ मत बेटी, बेटी हमें माफ कर, बेटी क्या हुआ, काम पूरा हो गया ना? तुम क्या ढूंढ रही हो बेटी? यही फोन ढूंढ रही हो ना? टेंशन मत, मैं तुम्हें अरेस्ट करके उन्हें बचाने के लिए नहीं आया। एक पुलिस वाला ऐसी बातें कर रहा है यही सोच रही हो ना? एक समय मैं भी उसी अनाथ आश्रम में पला बढ़ा जहां तुम पली हो। एक पुलिस अधिकारी बनकर भी मैं ये सब नहीं कर पाया जो तुमने कर दिखाया। मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूं। मुझे ड्यूटी पर ये सब नहीं देखना चाहिए। मेरे चाय पी के आने तक तुम अपना काम पूरा करो। ये लो।